Hello students, Nitin is here, one of the PTE tutors providing online classes to the students. Most of the students are struggling in the speaking section, read aloud, repeat sentence, image and data lecture and some readings, blanks, write home dictation. So, आपको बता दूं मैं, speaking and listening is the backbone of PTE. So, focus on first of all speaking and listening if you are aiming 65 each or 6.5 each. So, easier you get if your speaking and listening are too strong. So today I'm doing some quotient test of speaking. Second task, repeat sentence. So look at here, I'm telling the comparison between Apuni and Pearson. So kuch ek student bolte hain ki mera sir score Apuni pe yahan pe sahi aa raha hai, wahan pe mera 40 aa raha hai, yahan pe mera 80 aa raha hai, aisa kyon ho raha hai. So aaj hum video mein batane ki koshish karenge maximum bacche ye kyon problem face kar rahe hain. So today I'm doing quotient test of repeat sentence. कोई भी रैंडमली खोलते हैं एक बार, पांच छह क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हो. वीडियो सिर्फ एक डेढ़ मिनट की रहेगी क्योंकि एक सेकंड का एक वीडियो ये आपका रिपीट सेंटेंस रहेगा. ओके, लेट चेक, स्टार्ट नाउ. माय फेवरेट प्लेस इन माय होम टाउन इज द मेन पार्क लोकेटेड डाउनटाउन. माय फेवरेट प्लेस इज माय होम टाउन इज द मेन पार्ट ऑफ द डाउनटाउन. मैक्सिमम जितना हो सकता है कंटेंट उठाने की कोशिश करो, बट फ्लुएंसी मेन. Absolutely. I don't think anyone should try to interfere with nature. Absolutely. I don't get anything to try in the fear of nature. It is important. इसमें मैं फॉर्मलिंग कर रहा था, तो मैंने इस इम्पोर्टेंट ऐड कर दिया. ये टिप्स एंड टिक्स. Make sure you correctly cite all your sources. Make sure you are correctly recycle the all of sources. It is important. इसमें मैं बीच में रुक गया था, because जानबूझ के मैं रुक रहा हूँ. मैक्सिमम बच्चे ऐसे करते हैं. Psychologists use a range of techniques to study the human mind and behavior. Psychology is a use of range of techniques, the student mind and range of behavior. Last one, dekhte hain kitna score aata hai. I won't be able to attend the lecture because I have a doctor appointment. I won't be able to attend the lecture because I have a doctor appointment. So ye wala mera pura ka pura theek tha. So ab baat aati hai, maine ek mock test diya hai, ye section test diya repeat sentence ka. सो मैक्सिमम अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है मेरे से ज़्यादातर, कि सर जो एप्यूनी की स्कोरिंग है वो रियल एग्जाम में स्कोरिंग कितनी सही है. बिकॉज पीएसएन का कोई सॉफ्टवेयर सिर्फ आपका एग्जाम दिलाता है और उसके मॉक टेस्ट होते हैं, आप उस पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो. सो पीएसएन जो स्कोरिंग है वो देखो, आपको स्पीकिंग में नेचुरली आपकी जो वॉइस है तो एक्सेंट चेंज नहीं करना है, आपको एक फ्लो के अंदर बोलना है. प्रोनाउंसिएशन मेन है, मेन चीज़ें यही हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्पीकिंग में फोकस रहे आपकी प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन इज द मेन की ऑफ सक्सेस इन स्पीकिंग. स्पीकिंग इज द बैकबोन ऑफ पीटिंग. सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस इन स्पीकिंग. मैं आपको बता देता हूँ, स्पीकिंग 150 मार्क्स की है, 150 नंबर की है, जिसकी वजह से आपका स्पीकिंग की वजह से आपका रीडिंग एंड लिसनिंग में स्कोर जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्ट्रॉन्ग यूर रीड अलाउड एंड रिपीट सेंटेंस. रीड अलाउड के अंदर आप यूनि में आपके अगर आप 65 ले रहे हो, 60 से ऊपर ले रहे हो, इट मीन्स आप मान के चलो रियल एग्जाम में आपके 70 प्लस हैं. बट कुछ सर्कमस्टांसिस के अंदर वो स्कोरिंग आपकी ठीक भी है, गलत भी है. वो गाइडेंस मैटर करती है कि आप कहाँ से क्लासेस ले रहे हो, कैसे बोल रहे हो, मेन बात यह है. मैक्सिमम बच्चे देखो, मैं आपको एक प्रैक्टिस करके दिखाई देता हूँ, इतने उसका स्कोर आता है. जैसे कि मैं कोई भी रैंडमली खोलता हूँ एक रीड अलाउड, ठीक है. जैसे कि ये रीड अलाउड है, आपका खुल ही गया होगा. सो अब हम इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोल के दिखाएंगे, बट स्कोर आता रहेगा. मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एप्यूनी कितनी सही है. मैं आपको बोल के दिखाता हूँ. देखो अब मैं बोल के दिखाता हूँ, जैसे रियल एग्जाम में बोलना है आपको. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सेविंग इज नॉट द सेम एज इन्वेस्टमेंट. सेविंग इज अबाउट कैश व्हाइल इन्वेस्टमेंट इज अबाउट रियल प्रोडक्ट. द डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मनी बींग लिक्विड कैन लीक आउट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम विच इट डज व्हेन समवन हु इज पुटिंग असाइड अनस्पेंट इनकम केप्ट अंडर द मैट्रेस. जैसे मैंने बोला है, इस तरीके से आपको बोलने हैं. ये राइट वे आपका बोलने का, आपने चेक करा होगा. मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक फ्लो है. आपकी प्रोनाउंसिएशन और आपकी क्लैरिटी मेन होनी चाहिए वर्ड्स की. मेक श्योर इट इज फ्लुएंसी मेन होनी चाहिए, फ्लो एक होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं करनी है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ऐसे नहीं करना है जैसे वेव्स होती हैं, समुद्र की लहरें होती हैं, ऐसे नहीं करना है. ये AI स्कोरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. सो इट्स नॉट करेक्ट, 100% सही नहीं है ये. देखते हैं कितने मार्क्स देते हैं. मेरे 87 आए हैं इसके अंदर, आप देख सकते हो रीड अलाउड के अंदर 19 कंटेंट, 85 इन प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी में 88 है. सो मैं अब इसको डिफरेंट तरीके से बोल के दिखाता हूँ. मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एप्यूनी कितनी सही है, कितनी गलत है. देखो आप, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सेविंग इज नॉट द सेम एज इन्वेस्टमेंट.
Saving is about cash, while investment is about real product. The difference is important because money being liquid can leak out of the economic system, which it does when someone who is putting aside unspent income kept under the mattress. अब मैंने इसको सिंगल सिंगल प्रोनाउंस करा. अब कुछ बच्चे बोलते हैं, सर मैं इसमें वर्ड तो क्लियर बोल रहा हूँ, तो नंबर कहाँ घट रहे हैं? मैं आपको स्क्वायरिंग दिखाता हूँ कितनी आती है. मेन चीजें मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपका वे सही होना चाहिए बोलने का. इट इज इम्पोर्टेंट, सही होनी चाहिए. इसमें मेरी पर्निशन सही है, बट टू मैनी स्ट्रेस इन द वर्ड. स्ट्रेस नहीं देना है आपको जितना हो सकता. जैसे आप हिंदी में बोलते हो, इसमें हिंदी में कोई भी चीज बोल रहा हूँ, कंटिन्यू स्पीच दे रहा हूँ आपको. इट इज इम्पोर्टेंट. इसमें 79 है, बट ये रियल एग्जाम में आपके 50 है. दैट्स द मेन डिफरेंस ऑफ स्पीकिंग एंड एपीयूनी स्कोरिंग. एपीयूनी के अंदर आपके 79 है, जो मेरा पहली वाला था 87 है, वो 87 वाला 90 है. ये आपका 79 आया, ये आपका 50 मार्क्स है रियल एग्जाम के अंदर. सो डोंट जज योरसेल्फ एट होम कि मैं घर पे बैठ के मार्क्स ले लूंगी या ले लूंगा. ठीक है, आप किसी अंडर गाइडेंस के प्रैक्टिस करो ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना स्कोर निकाल सको. सो अभी मेरा 79 आया, मैंने कैसे कैसे बोला इसको, सिंगल सिंगल वर्ड प्रोनाउंस करा. इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट. ऐसे हम हिंदी में बात नहीं करते हैं, इतना स्ट्रेस है वर्डों पे. इसकी वजह से स्कोरिंग में मैक्सिमम बच्चों के रियल एग्जाम में मार्क्स नहीं आते हैं, बिकॉज यहाँ पे उनके 80 आते हैं. सो अगले दिन एग्जाम भर देते हैं तो स्कोर आता है 40. ये मेन डिफरेंस होता है. सो आप एपीयूनी पे जज ना करो अपने आप को, ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है, बट अंडर गाइडेंस प्रैक्टिस करो. ये हमने मॉक दिया था, देखते हैं कितने नंबर आते हैं हमारे इसके अंदर. सो रिपीट सेंटेंस का एक मॉक था, चेक करता हूँ. वेट, कुछ नेटवर्क एरर आ गया मे बी. दोबारा खोल लेते हैं. किसी को भी जो भी डाउट हो आप इंस्टेंट मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो. 74 आई गॉट, 74 मेरे परसेंटेज मेरा मार्क्स आया है. देखो अब मैं बता रहा था आपको, एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें कितना कितना. फर्स्ट में 88 है, सेकंड में 66 है, 63 है, लास्ट इसमें मेरा 44 है. साइकोलॉजिस्ट वाले में बोल रहा था ना, बीच में फंबलिंग कर गया था, मैं रुक गया था, मेरी फ्लुएंसी डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा इतना मार्क्स आया. इसमें मेरा 73 है, इसमें मेरा कम है. अगर इसमें मेरा अच्छा आता, मैं रुक गया था यहाँ पे, तो मेरे मार्क्स यहाँ पे 80 प्लस थे. तो 80 प्लस इट मीन्स मेरा लिसनिंग में भी अच्छा था. सो ये आपका रियल स्कोर अब 74 है. रियल एग्जाम में मेरे ये 75 या 80 मार्क्स हैं. एटलीस्ट आपको 10 आएंगे रिपीट सेंटेंस, 10 में से आपको 7 to 8 तो करना ही करने अगर आपको मार्क्स चाहिए. सो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो हमसे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स अ लॉट. एंड बने रहिए वीडियो के साथ. नेक्स्ट वीडियो रीड अलाउड पे होगी. रीड अलाउड को कैसे ठीक कर सकते हैं? सर मेरा एक्सेंट नहीं सही हो रहा, सर मेरे से अकेले अकेले वर्ड नहीं बोले जा रहे, मैं बोलते बोलते बीच में रुक रहा हूँ. ये सब के डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने वाले हैं. थैंक यू सो मच. गुड बाय.